इंसान तो इंसान, शमशान भी चित्कार मारकर रोने लगा। एक चिता सस्ती नहीं कि लाशों का दूसरा कारवां पहुंच जाता है। तीन दिन, 300 लाशें। गया पर बरपा कुदरत का कहर, कम पड़ गई लकड़ियां, कम पड़ गए कफन के कपड़े। विष्णुपद श्मशान घाट पर शनिवार से जो लाशों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब भी बदस्तूर जारी है। वैसे तो यहाँ हर रोज 10 से 15 शवों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन शनिवार को यहाँ 80 लाशें जली, रविवार को भी यहाँ 90 लाशें लगाई गईं, तो सोमवार को 85 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। यानी तीन दिन में 300 शवों को जलाया गया। एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह कुदरत का वो कहर है जो आसमानी आफत लू के रूप में जमीन पर बरप रही है। खुद चल के अपने बेड तक पहुंचे हैं और उनका करीब लगता है सुबह में 3:40 में वो आए, जबकि 46 मिनट विलम्ब से उनका इलाज शुरू किया गया और 3:55 में वो डेथ कर गए। उनको लू लगी थी। जिधर देखो उधर चिताएं ही जलती नजर आ रही हैं। शनिवार को यहाँ शवों का मेला लगा था तो रविवार को भी यही स्थिति बनी रही। श्मशान घाट पर कफन और लकड़ी बेचने वाले दुकानदार भी इतनी बड़ी संख्या में लाशों के आने से हैरान परेशान हैं। उनके पास कफन के कपड़े और लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं। आखिर ऐसे में शवों का अंतिम संस्कार कैसे होगा? आज तक हम इस तरह नहीं देखे। तीन दिन के दरमियान में इतना लाश आ रहा है कि क्या बता नहीं सकते हैं। अपने आप का बुरा हालत हो गया बेचने वालों का। प्रतिदिन 50 से ऊपर जा रही है, लेकिन दो दिन पहले 90 से आंकड़ा पार कर गए थे। और अभी लग रहा है कि इस तरह से अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लकड़ी का अभी तो दिक्कत चल ही रही है। हम लोग बाहर से लकड़ी माइनस करके मंगवा रहे हैं। विष्णु की नगरी गया धाम मोक्ष धाम के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। इसे लेकर लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए विष्णुपद श्मशान घाट को चुनते हैं, लेकिन पिछले तीन दिनों में कुदरत के कहर से जो मौतें हुई हैं, उसने इस मोक्ष धाम को भी हिलाकर रख दिया है। एक और जहां मगध मेडिकल में लू की चपेट में आने से 35 से 40 की मौतें सरकारी आंकड़ा बता रहा है, वहीं श्मशान घाट में यह आंकड़ा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तीन दिन में गया के श्मशान घाट पर 300 से ज्यादा लाशें आई है जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर मौतें लू की चपेट में आने से बताई जा रही है। यहाँ के कफन और लकड़ी बेचने वाले भी इस तरह से लाशें आने से हैरान हैं। एलन लिली, न्यूज 18, गया।